ये चीज को आप खास ध्यान रखना, आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप SST की जब भी कोई बुक पढ़े, आपके स्टेट की पढ़े, तो उसके अंदर जो भी ईयर्स दिए जाते हैं उसको आपको अच्छे से याद रखना है, और उस ईयर में आपको कौन कौन से इवेंट हुए थे उसे आपको अच्छे से याद रखना है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलन का जो NTSC का स्टडी मटेरियल रहता है उसका रिव्यू मैं आपको यहाँ पर आज देने वाला हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी उसके बेसिस पर, तो यहाँ पर हम लोग मैं आपको पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि यहाँ पर एलन में आपको NTSC में क्या क्या मटेरियल दिया जाता है और इस मटेरियल में आपको किस टाइप का कॉन्टेंट दिया जाता है। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से मैं कोचिंग्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सारे अपडेट्स अपने चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो टाइप के सेट्स रखे हुए मैंने जो कि एलन के NTSC बेच के हैं, राइट। तो यहाँ पर सेट वन है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और ये सेट टू है। तो सेट वन में आपको यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स दिए जाते हैं जिसमें एडवांस बायोलॉजी रहता है, एडवांस फिजिक्स रहता है, एडवांस केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और एडवांस SST। और इसी तरीके से सेट टू में भी रहता है एडवांस बायोलॉजी, एडवांस फिजिक्स, एडवांस केमिस्ट्री, एडवांस मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और SST एडवांस का, राइट। तो दो सेट रहते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं मॉड्यूल्स भी एक बार पहले बता देता हूँ, यहाँ पर आपको मॉड्यूल किस टाइप से दिए गए हैं। जैसे एक मैथमेटिक्स का मॉड्यूल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेंटल एबिलिटी और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस का, राइट। तो सभी सब्जेक्ट के बारे में आपको मैं वन बाय वन थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि इसमें किस टाइप से कॉन्टेंट है। सभी में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा कॉन्टेंट एक बार देख लेते हैं किस टाइप का कॉन्टेंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, तो उसी को हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। सो जैसे मैथमेटिक्स का बुक हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। टॉपिक में आपको यहाँ पर टॉपिक का लिस्ट मिलेगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है जैसे कि फर्स्ट नंबर का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन का, तो इसमें आपको यहाँ पर कंटेंट में बताया गया है। तो लीनियर इक्वेशन के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर उसका डेफिनेशन दिया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है पॉइंट वाइज कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। पहले पेज में आपको ये सारी चीजें देखने मिलेगी और उसके बाद भी यहाँ पर आपको फिगर के साथ सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है कॉन्सेप्ट के साथ। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जांपल दिए गए और उसके सॉल्यूशन दिए गए हैं। अगेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एग्जांपल और सॉल्यूशन। फुल लास्ट में आपको जब टॉपिक खत्म होता है उसके पहले आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी जाती है, ठीक है। तो ये टॉपिक की रिलेवेंट में जो भी एक्सरसाइज होगी वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दी जाएगी, और उसके लास्ट में आपको यहाँ पर आंसर की मिलेगी ताकि आप अपने आंसर को वेरीफाई कर पाए, ठीक है। और सेम इसी तरीके से सेकंड नंबर का टॉपिक और आगे के जो भी टॉपिक है मैथमेटिक्स में उसी तरीके से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझाया गया है और उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जांपल के साथ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, राइट। लास्ट में आपको यहाँ पर एक्सरसाइज के साथ इसकी आंसर की भी मिल जाएगी। तो मैथमेटिक्स का पूरा जो बुक है वो इसी तरीके से एक्सप्लेन की गई है और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाया गया है क्लास 10th के सेट 1 में। दूसरा सब्जेक्ट आता है मेंटल एबिलिटी, जो भी काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट रहता है NTSC के एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्योंकि पूरा कैलकुलेटिव रहता है। तो इसमें भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा टॉपिक की इन्फॉर्मेशन दी गई है सबसे पहले। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेंटल एबिलिटी मतलब एक्सरसाइज और प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सोल्व एग्जाम्पल पहले दिए गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया, उसका सोल्यूशन दिया गया, एग्जाम्पल है उसका सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी जाएगी, जो पैटर्न पर आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे उसी पैटर्न पर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी जाएगी, उसके सॉल्यूशंस आपको ढूंढने हैं और आंसर की यहाँ पर पीछे दी गई है लास्ट में। लेकिन उससे पहले आपको उसी के अंदर ब्रेन टीजर्स भी दिए जाएंगे जिसमें आपको थोड़ा और ज्यादा अपने ब्रेन को थोड़ा सा प्रेशराइज करके कॉन्सेप्ट को समझ के आंसर को लाना होगा, ठीक है। इन सभी का आंसर की आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 2 दी जाएगी जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी और लास्ट में इसकी आंसर की आपको यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से पूरा आप मेंटल एबिलिटी देख सकते हैं, एग्जांपल सॉल्यूशन और प्रैक्टिस, एग्जांपल सॉल्यूशन और प्रैक्टिस, ठीक है। ये तीन चीज पर ही पूरा मेंटल एबिलिटी इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स जो है वो आपको पता ही है प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट इसमें रहेगी और वही चीज इसमें आपको बताई भी गई है। इसी तरीके से बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में आपको काफी सिंपल तरीके से बताया गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टॉपिक है और उसके बाद यहाँ पर जो भी टॉपिक रहेगा सबसे पहले उसके बारे में डेफिनेशन दी गई है, फिर उसी के बारे में और ज्यादा ब्रीफ में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। जहाँ जहाँ फिगर की रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पर फिगर के थ्रू समझाया गया है ताकि आप और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाए, ठीक है।
उसका टॉपिक जैसे खत्म होगा उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है। तो बेसिकली बायोलॉजी रीडिंग सब्जेक्ट है, तो आपको रीड करके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के आपको मेमोराइज करना रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री भी कुछ इसी तरीके से आपको कुछ फॉर्मूलेज है उसे आपको मेमोराइज करना रहेगा, और उसकी प्रैक्टिस के थ्रू आप करोगे तो ज्यादा बेटर है, आप मेमोराइज अच्छे से कर पाएंगे। और फिजिक्स भी आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, फिजिक्स में भी यहाँ पर सेम मेथड दी गई है, पहला टॉपिक है और उसके बाद यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो उसके बारे में पहले तो यहाँ पर इसकी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड बताया गया ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए कि शुरुआत हुई कहाँ से थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डेफिनेशन दी जाएगी और उसके कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा ग्राफिक के थ्रू समझाया गया है, ठीक है ना। ये भी काफी अच्छे से आपको फिजिक्स पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आता है सोशल साइंस का। तो यहाँ पर एनटीएससी स्टेज वन के एग्जामिनेशन के लिए सभी स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा और एक सजेशन देना चाहूंगा कि आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट बोर्ड की आपको एसएसटी की जो बुक है उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, लाइन बाय लाइन उसके अच्छे से उसे थोरोली आपको रीड करना है। तो आपका सोशल साइंस के लिए सबसे बेस्ट बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ तो वो आपका जो स्टेट बोर्ड का जो एसएसटी की जो बुक रहेगी वही आपको फॉलो करनी है एनटीएससी की स्टेज वन की एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके 95% क्वेश्चन उसी में से आपको पूछे जाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आप उसको एलन का मॉड्यूल फॉलो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो अब यहाँ पे कंटेंट किस टाइप से होता है वो आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज सोशल साइंस में एलन वालों ने किस चीज पे दिया है वो चीज को आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेगा ताकि आपको आइडिया लगेगा कि एसएसटी को इतना ज्यादा प्रिफरेंस क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर टॉपिक की इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हिस्ट्री है, सिविक्स है और जियोग्राफी है। तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा और नोटिस करने वाली बात है ना वो यहाँ पर ये दी गई है, इम्पोर्टेंट ईयर्स एंड इवेंट्स। ये जिसको आप खास ध्यान रखना, आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एसएसटी की जब भी कोई बुक पढ़े आपके स्टेट की पढ़े तो उसके अंदर जो भी ईयर्स दिए जाते हैं उसको आपको अच्छे से याद रखना है और उस ईयर में आपको कौन कौन से इवेंट हुए थे उसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर टेबल में इसी को पॉइंट आउट किया हुआ है, तो इस चीज की समरी आप इसको मानकर चले, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो हर टॉपिक के अंदर आप देखोगे ना तो हर टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए ना उसमें हर जगह आपको ये इयर्स वाले आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इवेंट्स वाले। आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी देख सकते हैं, हर जगह पे आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर भी मिलेगा, है ना, यहाँ पर भी है। तो आपको क्या करना है, एसएसटी में सबसे ज्यादा फोकस जो है दो चीजों पे करना है, एक तो इवेंट्स पे करना है और जो हिस्ट्रिकल इयर्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो एक बार आप एलन का मॉड्यूल देखोगे ना तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के कॉन्सेप्ट उसमें दिए गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पे उसमें फोकस किया गया है, ये जिसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर आइडिया आ जाता है ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस किया गया है, आप खुद बुक को रीड करके अपने हिसाब से क्वेश्चंस को बना सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बने रहिएगा मेरे साथ टॉपर स्टॉक में।